ढंग से कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं। वो कहते हैं उसने फायर की, कोई बुलेट होल्स नहीं गई, किसी को कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, सिर्फ आफिया को ही गोलियां लगी। वो कहते हैं कि उसने कुछ और किया, तो वो कहते हैं कि जिस वक्त वो कहीं और थी कि वो इसकी वो कर रही थी आजमा हेल्प कर रही थी, मामनत कर रही थी किसी की, तो जिस वक्त वो कहते हैं कि वो वहाँ पे थी उस वक्त तो उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा था, खुद अमरीकी हॉस्पिटल में उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है, कोई इल्ज़ाम नहीं ठहर सकता। तो आखिर आफिया क्यों, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन, आखिर आफिया क्यों? मे बी ये कि गलत जगह पे गलत वो थी, डॉलरों के नशे में हमारी हुकूमत ने भी उठा के वो कर दिया, और ये मे बी ये गलती थी जिसको कवर अप करने के चक्कर में, और ये सारा घिनौना एक वो हो गया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें कुछ लोगों के किरदार बहुत वाज़े आए। वो उस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में हमारी जो चीफ ऑफ एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स के, उनका अपना बयान भी रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्डिंग भी मौजूद है उसमें जो उन्होंने की, और उसमें उन्होंने बाकायदा खुद कहा है कि हाँ हमने उसको उठाया, बच्चों के साथ उठाया और बच्चों को इस्तेमाल किया, क्योंकि बच्चों से बेहतर कोई क्या क्या चीज़ होगी। फिर हमने कहा कि क्या उन्होंने कहा उसके लैपटॉप में जो वो इस्लामाबाद लेके जा रही थी उसमें तो ऐसा ख़जाना है कि वो तो पूरे आलम में एक कोहराम मच जाता और हमारी पूरी तहजीब के लिए एक मसला होता। फिर मीडिया में उन्होंने झूठे झूठे खबरें डालनी शुरू कर दी कि वो तो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट है। आफिया ने कभी न्यूक्लियर साइंस क्या फिज़िक्स भी नहीं पढ़ी, वो तो आर्ट्स की स्टूडेंट थी, पीएचडी किया है उसने न्यूरो साइंस यानी एजुकेशन में, वो तो एक तालीमी निज़ाम बनाना चाह रही थी। उसके उस कंप्यूटर में क्या था, वो तालीमी निज़ाम था जिससे वो एक तालीमी इनकलाब, एक एवोल्यूशन, एजुकेशनल रेवोल्यूशन पाकिस्तान में ही नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा में लाना चाह रही थी। वो तो ये कहती थी कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल एजुकेशन सिस्टम में है।